हम दोनों के खिलाफ एक साजिश रची जा रही है। बस बस पापा, मैं कोई बच्ची नहीं हूं, अपनी आंखों से सब कुछ देखकर आ रही हूं। आप नहीं चाहती थी ना कि मैं ऋषभ से मिलूं, आप नहीं चाहती है कि उस फैमिली में किसी के साथ भी मेरा कोई संबंध रहे। मामा, आप अपनी और भागवत अंकल की राजनीतिक दुश्मनी के वेदी पर मेरे और ऋषभ के रिश्ते की बलि चढ़ा रही है। आज तक मैंने इस रिश्ते को महत्व नहीं दिया, लेकिन अब मैं आपसे वादा करती हूँ, कृतिका प्रताप सिंह आपसे वादा करती है, मैं उस घर की बहू बन कर रहूंगी। वो बाप बेटा मिलकर कृतिका को पूरी तरह हमारे खिलाफ करें। अगर पहले से जबरदस्ती कृतिका को ऋषभ से मिलने से रोका जाता तो आज ये दिन ही नहीं देखना पड़ता। कृतिका कोई बच्ची नहीं है जो हम उसे जबरदस्ती बांध कर रखेंगे, उसे अपने फैसले लेने का पूरा हक है। भैया, अगर आपके हिसाब से चलते रहे तो कुछ नहीं कर पाएंगे। खानदान की इज्जत सड़कों पर होगी और पूरा शहर तमाशा देखेगा। उस ऋषभ के बच्चे को ऐसा सबक सिखाऊंगा कि करण, वैसे भी कृतिका हम लोगों की बात नहीं मान रही। अब अगर भागवत जी या उनके बेटे को कुछ भी हुआ तो वो हम सबको दोषी ठहराएगी। हाँ, सबसे पहले आप कृतिका को बुआ के घर से वापस लाइए। आज कृतिका के दिल में जो हमारे लिए नफरत है, जो आग भड़क रही है, उसे भड़काने में बुआ का बहुत बड़ा हाथ है। करण साहब, आपने जैसा कहा था हमने वैसे ही भागवत के बेटे को ऐसी जगह ले जाकर रखा है कि पुलिस कितना भी सर पटक ले लेकिन यहाँ तक पहुँच नहीं सकती। नमस्कार, अगर मैं गलती नहीं कर रहा तो आप ही टोरी साहब है ना? क्या आप मुझे जानते हैं? हाँ, आप हमारे कुणाल साहब के साले साहब हैं। अरे, आपको तो सीधा अंदर बैठना चाहिए था, आप यहाँ बाहर क्यों बैठे? क्या करें साहब, मजबूरी है। अरे, शादी के बाद मजबूरी तो जीजा की होती है, आपकी काहे की मजबूरी? वो क्या ना साहब, रिश्ते तो मानने से होते हैं। मैं अपनी बहन का सगा भाई हूँ तो हम तो उन्हें दिल से जीजा मानते हैं, पर वो नहीं मानते। अजी, मानने या ना मानने से क्या होता है, जो रिश्ता एक बार जुड़ गया सो जुड़ गया। वैसे आप चिंता मत कीजिए, इस तरह की नाराजगियां ज्यादा दिनों तक रहती नहीं है साहब। अरे हाँ, आप प्रियंवदा देवी जी के घर पे तो नहीं रहते ना? मजबूरी है। यहाँ भी मजबूरी? क्या नाम बताया आपने? जी, रघुनंदन त्रिपाठी। रघुनंदन जी, बात क्या है कि इंसान से जिंदगी में गलती हो जाती है तो उस गलती की वजह से उसे सब लोग गलती समझते हैं। अब एक गलती मुझसे भी हुई, मैं जानता हूं कि मैं गलत नहीं हूं, लेकिन उसके बावजूद भी सबकी नजरों से दूर रखने के लिए मुझे फार्म हाउस पे रखा है। फार्म हाउस? अच्छी, फार्म हाउस की तो एक अपनी अलग शान होती है, और वैसे भी प्रेमवदा देवी का फार्म हाउस तो क्या बात है। हाँ, वैसे कभी आप बोरियत महसूस करें तो रघुनंदन को याद कर लीजिए कंपनी के लिए, मैं हाजिर हो जाऊंगा। भाई, ये तो बड़प्पन है आपका। जी, आप इत्मीनान से यहाँ बैठिए, मैं जरा देखता हूँ कि कुणाल साहब कहाँ पर है। जी हाँ, बैठिए, अभी आया। अपने बच्चों से यही बात सुननी थी मुझे। देखिए दीदी, कृतिका को लेकर घर में सभी बहुत परेशान हैं। तो मुझे इस घर में किसी की कोई चिंता नहीं? बताने तो आई थी, कृतिका मेरा घर छोड़कर भागवत के यहां चली गई है।